नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्र। आज पूरे देश की निगाह इस समय नई सरकार के गठन के ऊपर टिकी हुई। मौजूदा स्थितियां बड़ी विचित्र हो रही। उद्धव ठाकरे के ऐलान से सत्ताधारी दल बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि मेरे चंद्रबाबू नायडू से बहुत अच्छे संबंध हैं और इस मौजूदा सरकार के कुकर्म चंद्रबाबू नायडू ने भी झेले। वो काफी समय तक जेल में रहे। नीतीश कुमार ने भी अपमान सहा है और वो लगातार ये बात कहते नजर आए, वो लगातार ये बात समझते नजर आए। जब उन्होंने नीतीश के कहने पर इंडिया गठबंधन में अपना सहयोग शुरू किया। आज शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्वयं राहुल गांधी और जितने भी इंडिया के नेता हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सब नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। लगातार नीतीश कुमार जी से बातचीत चल रही है। लगातार प्रधानमंत्री जी की भी नीतीश कुमार जी से बातचीत चल रही है। वहीं सोशल मीडिया में वायरल खबर के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी पर एक बड़ा प्रहार करते हुए कहा है, ये सोशल मीडिया की खबरें हैं, कि अगर अमित शाह को केंद्रीय मंत्रालय से बाहर कर दो तो हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर सरकार बनाने के बारे में विचार कर सकते हैं। ये नहीं कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। वहीं आज एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो है उत्तर प्रदेश के किसी भाजपा समर्थित व्यक्ति का। हालांकि उस वीडियो को लेकर वायरल है, कई लोगों ने उसे शेयर किया है और हम भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे वो वीडियो कि आखिर इतनी नाराजगी क्यों। ये वीडियो तो एक मिनट का है और वो वीडियो अभी हम आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत करेंगे। ये वीडियो मिनट का है जहां बच्चों के सामने एक बार गोली मारकर हत्या कर दी। हम आपसे चर्चा कर रहे थे इसी सब मुद्दे पर, इसी सब बातचीत पर, सरकार बनाने, सरकार बिगाड़ने पर। बड़े उत्सुकता से लोग लगे हुए हैं, बहुत मेहनत से लोग अब सरकार के फेवर और डिसफेवर की बात करते नजर आ रहे हैं। लोग लगातार अब चर्चा करते नजर आ रहे हैं कि कैसे सरकार बनेगी, कैसे सरकार के बारे में बातचीत करें, कैसे सरकार के गठन पर अगले विचार विमर्श करें। इन्हीं सब बातों पर फिलहाल बातचीत जारी है और लगातार जो हम बात कर रहे थे और उन सब के मुताबिक लगातार सबकी निगाह टिकी हुई है, तो टिकी है दिल्ली के फैसले पर, दिल्ली की उस बातचीत पर जिस बातचीत में तय होगा कि अगला मुकाम किस सरकार का होगा, जिस बातचीत में तय होगा कि किसकी बनेगी सरकार, जिस बातचीत में तय होगा कि किसका होगा बंटाधार। एक सेकंड में वीडियो को ले आया, अभी आपके पास हैरान कर देने वाला वीडियो है। आप सोचेंगे कि क्या भाजपा में अब यह हाल हो गया है, क्या भाजपा इतनी परेशानी में आ गई है, क्या भाजपा के समक्ष इतना संकट होगा क्यों नहीं, भाजपा के पास संकट होगा क्यों नहीं। बेरोजगार, निमितीकरण का अहंकार, किसी की बात न सुनना, कितना अहंकार है। और अहंकार का एक दिन पर्दा जरूर फास्ट होता है। हम सीधा आपको वीडियो के पास ले चलते हैं, फिर हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। तब तक जो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले। हम सीधा वीडियो इसीलिए आपको सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि क्या क्या सोच है जनता के मन में, क्या जनता है और हम क्या। माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए।
योगी जी को तुम बोल रहे हो? योगी जी सीट हरवाए हैं, योगी जी सीट हरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे? सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे? ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे? कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे, पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची, अमित शाह तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है? बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना कह रहे हैं, समझ गए चोर कहीं का। वीडियो आपने सुना, हैरान ऐसा है फिर सुन, माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक के अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो? योगी जी सीट हरवाए हैं, योगी जी सीट हरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे? सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे? ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे? कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे, पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची, अमित शाह तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है? बेशरम दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना कह रहे हैं, समझ गए? आप अभी सुन रहे थे इस युवा की बात, कितनी नाराजगी है, कितनी नाराजगी है आम जनमानस में, ये आप भली बात समझ रहे होंगे। कितने लोग नाराज हैं, कितने लोगों की बद्दुआ इस सरकार को लगी है, कितने लोगों की बद्दुआ भारतीय जनता पार्टी को लगी है, कितने लोगों को आहत करके सरकार चलाना इस सरकार को खा गया। मैं लगातार आपसे कह रहा था, मेरे दर्शक मुझ पर भरोसा कायम किए हुए थे, मैं लगातार कह रहा था भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारेगी। 400 पार छोड़िए, इसे बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलेगा। और यही मैं लगातार कहता रहा, दर्शक मुझ पर भरोसा मेरे करते रहे, मेरे दर्शकों ने मुझ पर भरोसा किया, बहुत लोग आए। आज वो अनिल पाठक नजर नहीं आ रहे हैं कमेंट में, आज वो नीरज नाम का युवक कमेंट में नहीं आ रहा है, इससे पहले एक और झांसी का युवक आया था। मैंने कहा था उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है, थोड़ा सा बिहार में नहीं सपोर्ट मिल पाई, थोड़ी सी मध्य प्रदेश में सपोर्ट नहीं मिल पाई, थोड़ी सी कर्नाटक में लूज हो गई कांग्रेस, आज परचम दूसरा होता। उड़ीसा की 39 की 39 सीटें जो हमने आपके पटल पर दी थी, वो
पूरी एनडीए के खाते में गई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने एक शानदार प्रदर्शन किया है और साबित किया कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की है। एनसीपी के शरद पवार ने साबित किया कि असली शिवसेना किसकी है और आज शरद पवार सेतु बने हैं नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच में ये सेतु। और एक ताज्जुब की बात है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आज एक ही जहाज पर सवार होकर दिल्ली का रुख कर रहे हैं। दोनों नेता एक ही हेलीकॉप्टर में सवार हैं, दिल्ली में आएंगे और दिल्ली आकर नई सरकार की गठन पर बातचीत करेंगे। फिलहाल नीतीश कुमार ने अभी कोई भी अपना पत्ता नहीं खोला है, जबकि एन चंद्रबाबू नायडू ने कल प्रेस वार्ता भी नहीं की। उन्होंने कहा कल हम बातचीत करेंगे। उनके दो तीन वीडियो जरूर कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन वीडियोज में उन पर अत्याचार हुआ। उन्हें याद है कि इस दंभी सरकार ने हमें एक वर्ष जेल में रखा। अगर चंद्रबाबू नायडू को ये बातें याद रही तो निश्चित कल शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की सरकार बनेगी जिसके लिए लोगों ने वोट किया है। इस देश में सरकार बदलने का पैटर्न आया है। इस देश में सरकार लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की चाहिए। अयोध्या में श्री राम को लाए थे, अरे अयोध्या में श्री राम को लाए थे और अयोध्या में बैठे श्री राम जो हमारे सबके आराध्य हैं, सर्वराकार हैं, निराकार हैं, भगवान हैं, ब्रह्म हैं, सर्वराकार हैं। उन्होंने साबित कर दिया, अरे मूर्खो तुम मुझे लाए हो, हम तुम्हें यहां से भगा देते हैं, और अयोध्या से भगा के राम नाम सत्य कर दिया। ये है प्रभु श्री राम की लीला, ये है प्रभु श्री राम की लीला। वो तो अच्छा हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में आकर मेरठ के जिला अधिकारी ने वहां कुछ ऊंच नीच किए, ऐसी जानकारी योगेश वर्मा ने दी है। इसलिए राम के रूप में आने वाले अरुण गोविल कुछ हजार मतों से चुनाव जिता दिए गए। अमरोहा को लेकर बड़ी खबर है, आज 50 सीटें एनडीए के पास होती अगर फर्रुखाबाद, सलेमपुर, फर्रुखाबाद, बांसगांव, अलीगढ़, अमरोहा, मेरठ, ये 4-5 सीटें और तो एक इतिहास रचा जाता और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मतदाता 25 सीटों में समेट देते। कितनी नाराजगी थी उत्तर प्रदेश में, ये यूपी की नाराजगी नहीं थी। आप नाराजगी देखिए, शिक्षा की गिरती स्थिति, बेरोजगारी। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लुटते पिटते 8 बजे भारी मन से प्रेस वार्ता करने पहुंचे। मैं धन्यवाद दूंगा राहुल गांधी को जिन्होंने खुशी खुशी 5 बजे जाके मीडिया के सामने अपनी बातचीत रख दी। और मैं बार बार आपसे कहता था इस वीडियो को लाइक करते रहें, बार बार कहता था इस वीडियो को शेयर करते रहें। एक दिन चुनाव मैं शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर कर दूंगा। कल से लगातार आ रहे फोन, कल से लगातार आ रही बधाइयां, मैं सबको स्वीकार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। जिन दर्शकों ने मेरा साथ दिया आप सबको अभिवादन करता हूं, करबद्ध आपसे आग्रह और निवेदन करता हूं कि शिक्षा स्वास्थ्य का ये बिगुल बुझने मत देना। ये सभी सरकारें आपके दरवाजे पर नाचती नजर आएंगी और इस नचाने का काम मैं अकेला आपके साथ मिलकर करता रहूंगा। मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता हूं, मैं किसी दल के लिए काम नहीं करता हूं, मैं उस देश के उस गरीब तबके के शोषित वंचित पीड़ित व्यक्ति के जो लास्ट पायदान पर बैठा है जिसके लिए कोई काम नहीं करता। मैं ईमानदारी से आपसे बात कर रहा हूं, सवेरे का वक्त है, भगवान श्री राम ने इन्हें पूरी तरीके से नकारा है। राम का मंदिर बनवाया था, बड़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था, करोड़ों रुपया उस आवरण बनाने में खर्च किया, कई कैमरे, कई हजार करोड़ रुपया बर्बाद करके देश के बेरोजगारों का रोजगार समाप्त करके देश के संविदा कर्मियों का
मानदेय न बढ़ा के उन्हें फूको मरने पर इस सरकार ने मजबूर किया और आज नतीजा आपके सामने है कि सरकार नेस्तनाबूद हो गई। वो किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ आप लोगों की वजह से। उत्तर प्रदेश में अपार बहुमत, मैं अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े की अभी बात करता हूं आपसे, राज्यवार आंकड़े आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ, यूपी के आंकड़े सीधे आपके सामने मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश ने इतिहास रचा है, 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव जीती है। निर्दलीय चंद्रशेखर जो लगातार कांग्रेस के संपर्क में है, मल्लिकार्जुन खड़गे के संपर्क में है, निर्दलीय एक सीट जोड़ के 38 सीटें हो जाती हैं और एक विधायक बनाने वाली कांग्रेस 6 सांसद उत्तर प्रदेश से जिता के ले गई है। अहंकार तो स्मृति ईरानी का खत्म हुआ, जिसने एक शिक्षा मित्र की शिकायत पर टीएन से कह के वो शिक्षा मित्र ने ट्वीट कर दिया था कि सांसद जी मिड डे मील बढ़िया नहीं है इस स्कूल में, टैग करके दूसरे दिन जिलाधिकारी से कह के उस शिक्षा मित्र की नौकरी खाली थी, उसने मुझे फोन करके बताया था, उसने मेरे पास मैसेज भेजा था। आज वो शिक्षा मित्र, उसकी नौकरी चली गई कोई बात नहीं है, लेकिन आज वो अपने बेहद खुश होगा। संतोष सिंह हम सब पर डिबेट करेंगे, लेकिन कमेंट आप बहुत घटिया करते हैं, आप कभी कभी लिखते हैं कि डिबेट से क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नियमित करा के दम लूंगा, संतोष सिंह आपसे वादा कर रहा हूं, मेरे आप परमानेंट दर्शक हैं। संविदा कर्मियों ने जो दमखम दिखाया है, अब उन्हें न्याय दिलाने का वक्त आ गया है। पहले तो आप देखना कि आपका प्रस्ताव किस तीव्र गति से आगे जाता है। संतोष सिंह लगातार आप मेरे परमानेंट दर्शक हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। विपिन जायसवाल जी, कासिम अली जी, सुनील कुमार सिंह, ये मेरे सब दर्शक मेरे अपने हृदय के अंदर विराजमान है और मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आपने सहयोग किया है, इसी तरह साथ देते रहिए, ये सरकारें आपके घर चल के जाएंगी कि आपके अधिकार हम देंगे। सरकार से मांगने पर कोई नहीं देता, ये गर्दन पकड़कर मरोड़कर जब इनसे मांगा जाता है तब ये अधिकार देते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कितनी बार बीजेपी के नेताओं से, आप लोग क्या समझोगे, किस बड़े नेता से बातचीत अनुदेशक शिक्षा मित्र को लेकर नहीं की, सबका एक ही जवाब था, मैं क्या करूं, बड़े लेवल पर मिली। अब मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से तो नहीं मिल सकता था, मेरी पहुंच वहां तक तो नहीं थी, लेकिन वोटरों ने ये पहुंच पहुंचा दी। राहुल गांधी का मैसेज आया, राहुल गांधी से मुलाकात के वक्त हम एक समस्या में, परिवार में एक परेशानी में थे, उस समय हम नहीं मिलने जा पाए और लगातार संविदा कर्मियों को लेकर मैंने कितने कितने तीखे प्रश्न कांग्रेस के नेताओं से पूछे, मैंने कितने तीखे प्रश्न भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछे, किसी पे जवाब नहीं होता था। और इसीलिए मेरे प्रोग्राम में बीजेपी के प्रवक्ता आने से कतराने लगे, पॉलिटिकल प्रोग्राम में सब आते हैं लेकिन जब रोजगार की चर्चा हो तो उनके पास जवाब नहीं है, वो नहीं आते। अन्य चैनल पे वो कुछ भी बोले उन्हें बोलने दिया जाता है, कई चैनलों पर कथा बांची जाती है, कई चैनलों पर कुछ भी बांटा जाता है, लेकिन हमारे यहां हम सत्यता पर बात करते हैं, हमारे यहां हम सटीक डिबेट करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने शिक्षा मित्रों को लेकर, हमने अनुदेशकों को लेकर, हमने ग्राम प्रहरी को लेकर, हमने एम्बुलेंस कर्मचारियों को लेकर, हमने बीपीएड भर्ती वालों को लेकर, हमने बिजली के संविदा कर्मियों को लेकर, आत्मा के उन कर्मचारियों को लेकर हमने बिगुल बजाया और आज बिगुल का नतीजा है कि सरकार बनने पर अब बड़ी खबरें आ रही हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी एक ही हेलीकॉप्टर में सवार होकर दिल्ली आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं, उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि मेरी एन चंद्रबाबू नायडू से लगातार बातचीत हो रही है, मेरे पुराने सहयोगी हैं, वो उन्हें जेल जाने का अपना आज तक याद है, वो एक वर्ष जेल रहे हैं, वो मेरे साथ खड़े होंगे। और एन चंद्रबाबू नायडू ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके, अरे चंद आंकड़ों का खेल है, बीजेपी
पूरा एनडीए मिला के 292 सीटों पर है और इधर इंडिया गठबंधन 235 सीटों पर है, एक सीट पप्पू यादव की कांग्रेस के खाते में। अब 235 और 292 यानी 20 सीटें ज्यादा बहुमत से बीजेपी है, 20 सीटें ज्यादा बहुमत से बीजेपी है। अगर वो 20 सीटें यानी 16 सीटें तेलुगु देशम की और 12 सीटें नीतीश कुमार की, यानी अगर 28 सीटें उधर से निकलकर इंडिया की तरफ आती हैं, तो ये 30 सीटें जोड़ने के बाद इधर की सीटें 263 हो जाएंगी 28 सीटें जोड़ के, और उधर 28 घटने से 292 में से 293 में से 3 और 25 और घटा दीजिए। अगर 25 घटा देते हैं तो सीधा सीधा वो भी 265 पर आ जाएंगे। अब 265 का आंकड़ा फंस जाएगा, 265 का आंकड़ा फंस जाएगा और उस समय लोक जनशक्ति पार्टी भी, उन्हें याद होगा कि जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था तो उनका सामान निकाल के सड़क पर फेंक दिया गया था, उनका सामान निकाल के सड़क पर फेंक दिया गया था। और वो आज उन्हें याद होगा जब वो अपने 6 सांसद लेके मोदी जी से मिलने गए थे तो 5 मोदी जी ने रख लिए, उन्हें फिर भय होगा कि हम मोदी जी के साथ रहे तो 5 में से कौन जाएंगे। चाचा भतीजे में जीवन भर के लिए लड़ाई हो गई, चाचा भतीजे दोनों फंस गए, जीवन भर लड़ेंगे। आप क्या बात सोच रहे हैं। सभी दर्शकों का बहुत आभार, इस समय 10,000 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं 10,000 दर्शकों का अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबसे यही अपील अनुरोध है कि एक बार इस वीडियो को जम के लाइक कर दीजिए, जिन लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब न किया हो वो सब मुझे सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं, मेरी हिम्मत बढ़ाएं, यही हम सबसे आप सबका अनुरोध है। और ओपीएस के मुद्दे ने आज सरकार को जमीन पर पटक दिया, जो 2,00,000 शिक्षक कर्मचारी रामलीला मैदान में आया था, जो रामलीला मैदान में आया था शिक्षक कर्मचारी, उसने सरकार को उखाड़ के जमीन में धसा दिया। आज ये शिक्षक कर्मचारियों की आवाज, आज ये उस गांव के गरीब किसान की आवाज, जिसे मोदी जी लगातार 10 वर्षों से दोहरी आमदनी का धोखा देकर वोट लेते रहे, धोखा देकर उसे 1200 का सिलेंडर देकर उसके खाते में 6,000 रुपया भेजते रहे, वो साल भर में 12,000 के सिलेंडर खरीदता था, हर महीने एक सिलेंडर खरीदता था और मोदी जी खाते में 6,000 रुपया भेजते थे, सिर्फ 6,000 रुपया, और वो सिर्फ इसलिए भेजते थे कि मुझे वोट मिल जाए। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सरकार बननी चाहिए। मैं फिर इस देश के सभी राजनेताओं से अपील करता हूं, मैं नीतीश कुमार से भी अपील करता हूं, मैं चंद्रबाबू नायडू से अपील करता हूं, इस देश के करोड़ों बेरोजगारों की इज्जत बचा लीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस देश के करोड़ों संविदा कर्मियों की किस्मत बचा लीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, 1 करोड़ कर्मचारी की ओपीएस का मसला है, उन सब की इज्जत बचा लीजिए, आपको सब जीवन भर याद रखेंगे। आज आपने अगर शिक्षा, स्वास्थ्य की, रोजगार की सरकार इस देश को दी तो निश्चित रूप से आपसे 142 करोड़ जनसंख्या खुश होगी। अगर आपने इस दंभ को तोड़ा, अगर आपको आंध्र प्रदेश की जनता ने सर आंखों पर बिठाया है, आपको अपार बहुमत दिया है आंध्र प्रदेश में, अपार लोकसभा सीटें दी है, निश्चित रूप से उनका ऋण चुका दीजिए। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सरकार बनाकर, देश में शिक्षा स्वास्थ्य का अलग जगह कर, देश का बेरोजगार खून के आंसू रो रहा है, देश का कर्मचारी जो संविदा कर्मी है खून के आंसू रो रहा है, वो अपने सामने अपने मासूम की मौत देख रहा है, इलाज नहीं करा पाता है, वो बूढ़े माँ बाप को अस्पताल तक ले जाने में अक्षम है, वो अपने परिवार को ठीक सा भोजन देने में अक्षम है, वो अपने परिवार को बेदखल करता घूम रहा है, उसका डाइवोर्स हो रहा है, उसका तलाक हो रहा है, उसकी कहीं पत्नी है, कहीं उसका बेटा है, कहीं माँ है, कहीं बाप है,
आपने उसे भिनकने पर, आपने उसे मजबूर होकर गरीबी के साए में मरने पर मजबूर कर दिया। ये किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्ष में। आज अभी आप सुन रहे थे, एक बार फिर सुनिए सभी दर्शक, एक ऐसा लाजवाब वीडियो आप सोच भी नहीं सकते। इतने दर्शकों को सुनाऊंगा ताकि दर्शक समझ सके क्या है बीजेपी की असल। ऐसा है माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना हद, इतना अहंकार मत पालो कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट ठहरवाए हैं, योगी जी सीट ठहरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे? सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे? ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे? कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में है तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे, पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची, अमित शाह तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे, और बोल रहे हो बाबा की कहने से है? बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना, कह रहे हैं, समझ गए? ये एक आम कार्यकर्ता की आवाज है, और इसका की आवाज सुनकर आप हैरान मत होना, ऐसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता भाजपा के इस समय परेशान है, और वो लगातार इनको खोज रहे हैं, वो लगातार खोज रहे हैं। बनारस में जो मेरे पास मैसेज है, बनारस में साइकिल स्टैंड से लेके और पीडब्ल्यूडी तक, रेलवे से लेके चपरासी तक के काम करने वाले संविदा कर्मियों का ठेका बनारस के, गुजरात के लोगों पर है, गुजरात के लोगों पर है। तभी ये इतना अहंकार था कि 3 राउंड मोदी जी पीछे चले, विश्व गुरु बनने वाला प्राइम मिनिस्टर, 3 राउंड शिक्षा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने, बेरोजगारों ने 3 राउंड पीछे चलने पर मजबूर कर दिया, और महज 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत पाए हैं। जो हस्त्र था उनका, आपको एक बात अंदर की और आज बताने जा रहा हूं, सुन लीजिए। मोदी जी अपना रोड शो नहीं कर पाए अंतिम दिन, जब उन्होंने मिर्जापुर में एक रैली की, और मिर्जापुर में जब भीड़ नहीं आई तो मोदी जी रैली नहीं कर पाए वाराणसी में। ये सच है, मोदी वाराणसी में रोड शो नहीं कर पाए, देश ने नकार दिया है। और वो 56 इंची सीने वाला प्राइम मिनिस्टर जो रोजगार खा गया, वो 56 इंची सीने वाले प्राइम मिनिस्टर जो संविदा कर्मियों के अधिकार खा गए, वो 56 इंची पीएम ओपीएस खा गए, वो 56 इंची पीएम किसानों की दोगुनी आय खा गए, वो 56 इंची पीएम कर्मचारियों का मानदेय वेतन सब कुछ खा गए, और बीजेपी के 656 आलीशान भवनों का निर्माण कराया, 200 रैली की, अरे 200 से ज्यादा, 225 रैली की देश के प्राइम मिनिस्टर ने। अरे जनता ने दे दी तुम्हें 240 सीटें, जाओ एक रैली पर एक, यही तुम्हारी औकात इस देश में समझ में आई? 400 पार का नारा करके ये तुमने भ्रमित करके ये लोगों को धोखे से ये सीटें जीती हैं, लोगों का भरोसा तुमने तोड़ा, प्रत्येक समाज में लोगों का भरोसा तोड़ा। अरे आपके नेताओं ने किस दम पर कही, आपके नेता किस दम पर कूद रहे थे, संविधान बदलने का जिक्र कर रहे थे, बिना आपकी सह के कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में एक बयान नहीं दे पाता है। अब सरकार बनने पर आपको चिंता है, आपको चिंता है कि चंद्रबाबू नायडू ने चले जाए? अरे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की सरकार बनाने के लिए इस देश के एक एक युवक को, इस देश के एक एक व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, इस देश के
युवा को रोजगार के लिए अपनी खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस देश के एक एक युवक को, एक एक बेरोजगार को, एक एक संविदा कर्मी को, एक एक किसान के बेटे को अग्निवीर योजना लाए। अरे अग्निवीर योजना ने देश के युवकों का भाग्य खा लिया। आप 5 वर्ष काम करोगे, आजीवन पेंशन पाओगे, और मेरे देश का वो शिक्षक कर्मचारी 40 वर्ष 30 वर्ष सेवा करने के बाद खाली हाथ घर जाएगा। आप उसे एनपीएस दोगे, न्यू पेंशन स्कीम दोगे, वो घर जाके बच्चों को कैसे मुंह दिखाएगा? आपको मालूम है, मैं सभी दर्शकों से कह रहा हूं, आप घर घर जाकर देखिए, घर घर जाकर लोगों से बातचीत करिए और पता कीजिए ओल्ड एज होम में क्यों भीड़ बढ़ रही है। बुजुर्ग बेसहारा हो रहे हैं रिटायर होने के बाद। इस महंगाई में लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकार बनने पर अब बड़ी खबर आती चली जा रही है, नीतीश कुमार राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। नीतीश कुमार राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और राहुल गांधी नीतीश कुमार को पीएम तक बना सकते हैं। राहुल गांधी नीतीश कुमार को पीएम भी बना सकते हैं। लगातार ये खबरें आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार इस देश के या तो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार फिर एक बार नया इतिहास रचेंगे। जिस हिसाब से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, उस हिसाब से अब ये पूरा खेल नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रहा है। नीतीश कुमार को अब 40 से 50 सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी। नीतीश कुमार वो 50 सीटें लेके अगर इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं, निश्चित रूप से उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। दूसरी बात, अखिलेश यादव को भी नई सरकार में महत्वपूर्ण, अगर इंडिया सरकार बनती है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो अखिलेश यादव को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। लोग लगातार, और एक और हास्यास्पद बात आपको बता दें जो आपने नहीं सुनी होगी, इस बार उत्तर प्रदेश ने रावण को भी जिता दिया है। चंद्रशेखर रावण नगीना से जीत गए हैं और राम को मेरठ से जिता दिया है। देखेंगे राम और रावण उत्तर प्रदेश से जीते हैं, क्या संग्राम होगा, क्या भयंकर संग्राम होगा उत्तर प्रदेश में, क्या होगा। और मैं बहुत जल्दी आपको अच्छी खबर सुनाऊंगा, जो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को लेकर लगातार उठा पटक चल रही थी, उसमें कुछ बहुत जल्दी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। बहुत जल्दी एक अच्छा रिकॉर्ड कायम होगा देश में, राज्यों में अब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर बात होगी। अभी तक डबल इंजन आपस में टकरा रहे थे, कोई इंजन किसी की नहीं सुन रहा था और नुकसान जनता का हो रहा था। अब अकेले अकेले इंजन अगर बचे, अभी ऐसा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैसेज है, दोनों लोग सरकार बनाने पर अभी अड़े हुए हैं। हालांकि अब मुझे लग रहा है कि अधिकारियों की जो जमात पीछे से सरकार को सपोर्ट कर रही थी, उसने कल से अपना हाथ हटा लिया है। इस देश का सबसे होशियार वर्ग होता है ब्यूरोक्रेट्स, यानी अधिकारियों का संवर्ग। कल से वो अधिकार थोड़ा सा सरकार से अपना खिंचाव महसूस कर रहे हैं, वो थोड़ी सी दूरी बना के चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है सरकार चेंज हुई तो हमें फिर नई सरकार के साथ भी एडजस्ट होना है। अब तक जो किया वो हम ये कहकर छुड़ा लेंगे कि सरकार थी, दबाव था, लेकिन अब नई सरकार के गठन के लिए जब बहुमत ना हो, कुछ भी हो सकता हो, तब क्या होगा। एक और आपको हास्यास्पद कल के परिणाम की खबर बता दूं, हिमाचल प्रदेश में 6 विधायक इस्तीफा देते हैं कांग्रेस के, दोबारा चुनाव में जाते हैं, सिर्फ 2 वापस आए हैं, 4 को जनता ने नकार दिया। ऐसे जनता को वोट करना होगा, ऐसे जनता को जो लोग आपके मत को लेकर वहां राज्यसभा के चुनाव में बेचते हो, राज्यसभा में बेचते हो, वहां उन लोगों से बचना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के उन 6 धोखेबाज विधायकों, साथ में एक और नेता को भी जनता ने धूल चटा दी है। मनोज पांडे
रायबरेली से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, वर्षों से समाजवादी पार्टी में मिनिस्टर रहे, अभी भी मुख्य सचेतक के पद पर थे, इस्तीफा दिया, भाजपा में चले गए, रायबरेली सीट बुरी तरीके से बीजेपी हारी। अमेठी से राकेश प्रताप सिंह, धोखा दिया समाजवादी पार्टी को, बीजेपी में गए, अमेठी सीट बीजेपी हारी। अभय सिंह अयोध्या से बीजेपी में गए, बुरी तरीके से हारे। विनोद चतुर्वेदी जालौन से बीजेपी में गए, बीजेपी बुरी तरीके से हारी। बलिया के नारद राय ने कहा हम इतिहास और भूगोल बदल देते हैं, बलिया से वहां जाके बलिया बीजेपी हारी। ऐसी एक नहीं जो 6-7 विधायकों ने धोखा दिया समाजवादी, पल्लवी पटेल रोज लुढ़कती रही, प्रयागराज और कौशाम्बी दोनों सीटें हार गई, प्रतापगढ़ भी। क्या है ये सब? जनता का विश्वास जिस व्यक्ति ने तोड़ा, जनता उसे अहंकार समेत विधिवत तोड़ देती है। जनता एक वो चीज है जब अपनी सी पे आती है तो अच्छे अच्छे की सल्तनत हिला देती है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हिम्मत और हौसला रखिए, हिम्मत और हौसले से सब कुछ मिलता है। इस देश में न्याय की व्यवस्था पूरी पूरी है, सुप्रीम कोर्ट है। ये जो 5 सीटें समाजवादी पार्टी हारी है, ये सभी लोग कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में क्या मिलेगा वो बात की बात रह गई। लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की मुहिम को कमजोर मत होने देना, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की मुहिम चलाते रहे तो इस देश की कोई भी सरकार हो, आने वाला कोई भी नेता हो, आने वाला कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, उसे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर बातचीत करनी पड़ेगी। और जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर काम नहीं करेगा वो मेरे किसी काम का नहीं है। जैसे प्रभु श्री राम ने कहा कि आप श्री राम को नहीं ला सकते हो, आप अयोध्या से बेदखल हो जाइए, वैसे ही जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात नहीं करेगा उसे हम जल्दी से बेदखल कर देंगे। ये सौगंध हम सबको लेनी पड़ेगी और यही सौगंध हमारी जीत का एक बहुत बड़ा कारण बनेगी, जीत का आंकड़ा बनेगी। लगातार आपकी बात इतनी मुखरता से उठाता हूं, इतनी जज्बे के साथ उठाता हूं, और आप जिस हिसाब से मेरा सहयोग करते हैं उसी हिसाब से अगर सहयोग करते रहे तो निश्चित रूप से एक दिन आपका वक्त होगा, आपकी जीत होगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं लगातार अपने दर्शकों से कहता रहा, लगातार मैंने अनुदेशकों से कहा, लगातार मैंने शिक्षा कर्मियों से कहा, आइए मिलकर एक मुहिम चलाते हैं। लेकिन साथ आपका चाहिए, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। सारे लोग मुकर गए, सबको लगा ये अपने के लिए करते हैं, अपने लिए। आज आप इस गंभीर सरकार के सामने बोल के तो दिखाइए, आपको अपनी औकात नजर आ जाएगी। आप एक दिन बोल के दिखाइए, आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि सरकार क्या होती है और सरकार के सामने बात करने का क्या नतीजा होता है, तब आपको पता लगता है। ऐसे तो कोई भी किसी पर आरोप लगा दीजिए, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल दीजिए, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं लगातार आपसे कहता रहा, मैंने लगातार आपसे चर्चा की, मैंने आपसे जब जब अनुरोध किया, जब जब आप लोगों ने साथ दिया है। इसी कुकर्म चंद्रबाबू नायडू ने भी झेले।